भाग रहे हैं। रुको रुको सेठ जी पकड़ लिया सेठ जी। सेठ जी ये सब क्या हो रहा है? ओ छोड़, पहले दुकान में जा, उधर कोई नहीं, जल्दी जा, कोई नहीं दुकान में, जा जल्दी। सेठ जी आप एक काम कीजिए, इनकी तलाशी लीजिए, देखिए जेब में और कोई हथियार तो नहीं। ये मेरी चिट्ठी है। हाँ ये तुम्हारी चिट्ठी है, बंदूक भी तुम्हारी है, ये गोडाउन भी तुम्हारा है, मेरी दुकान भी तुम्हारी है, और वो चाय की दुकान भी तुम्हारी है। अभी शांति रखो, दो मिनट जरा। ये चिट्ठी पढ़ने वाले को मेरा बहुत प्रणाम और सॉरी भी। मैं जानता हूँ कि ये चिट्ठी वो ही पढ़ेगा जिसे मेरे पिताजी श्री मनोहर लाल मनमोहन जी ने परेशान किया होगा। प्लीज उनसे नाराज मत होना, उन पर गुस्सा भी मत करना, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूतकाल में मेरे पिताजी कई बार मुझे चकमा देके भागे हैं, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखकर उनकी जेब में रखी है। मेरी आपसे विनती है, उनसे प्यार से बात कीजिएगा। अगर वो कहे कि ये मेरा है तो उनसे बहस मत कीजिएगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। और शांत ना हो तो भी उन्हें पुलिस या डॉक्टर की धमकी बिल्कुल मत देना, पुलिस का नाम सुनते ही वह भड़क जाते हैं, उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है और आवेश में आ जाते हैं और खुद को या सामने वाले को कुछ भी कर बैठते हैं। और हाँ, उनके पास जो गन है वो नकली है, उनको बचपन से गन का शौक है, इसलिए वो हमेशा ये खिलौने की गन अपने साथ रखते हैं। मेरे पिताजी दिल के अच्छे हैं, सिर्फ दिमाग से अस्थिर हैं। अगर आपको मिल जाए तो कृपा करके हमें तुरंत इस नंबर पर फोन करें। अरे अरे वो, अरे फोन नंबर तो देख लेने देना था, मेरी चिट्ठी थी, मैं खा गया। सेठ जी क्या करें, इसे बांध दे। हाँ हाँ भागा, ये ठीक है। हाँ। नहीं 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 प्लीज, मुझे मत बांध दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, प्लीज मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं नहीं ठीक है नहीं, कोई नहीं बांधेगा भागा। नहीं नहीं इनको बांधने की जरूरत नहीं है, बैठिए आप, बैठिए इधर बैठ जाइए। मेरा है। बस मट्टू काका भागा, चिट्ठी पढ़ के लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर से है, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अपने बेटे से बिछड़ गए। मैं तो कहता हूँ जब तक इसका बेटा ना मिले हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। सेठ जी पुलिस इनके बेटे को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेगी। अच्छा हुआ आपने चालू पांडे जी को फोन करके बुला लिया। नहीं 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 नहीं, चालू जी पांडे जी को रोकना पड़ेगा। What? Why, सेठ जी? अरे वो चिट्ठी में लिखा था नट्टू काका कि डॉक्टर और पुलिस का नाम सुनते ही उनके दिमाग की पिन हिल जाती है, वो इतना भड़क जाते हैं कि जो भी हाथ में आए वो फेंकने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अरे बाप रे सेठ जी, हमारे गोडाउन में तो लाखों रुपए का सामान पड़ा है, अगर इसने तोड़फोड़ की तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। सेठ जी किसी भी तरह पांडे जी को रोकना पड़ेगा। अरे पांडे जी क्या कर रहे हैं, मगन ने कहा है वो गोडाउन में ही है, जल्दी चलिए, गोडाउन से भाग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? नहीं नहीं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, दरअसल क्या है ना मेरा छाता खतरे में है ना, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है, चलिए जल्दी। तो बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो पोपटलाल? मेरी गलती है, चलिए। नहीं नहीं मैं फोन करके रोकता हूँ, उनको रोकता हूँ। रिंग बज रही, उठा नहीं रहे। बाप रे क्या जेठालाल, क्यों बार बार फोन करे, आ गया हूँ ना। मुंबई पुलिस को भी मुंबई की ट्रैफिक नड़ती है। ना
6 साल की पुलिस की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रोज सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने के बाद मैं पुलिस बनाऊं और तुम कह रहे हो मैं नकली हूँ? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग बोलते हैं, जबरदस्त, मस्त नहीं? सुपर्ब। आपका कभी नाटक का शो होता है बुला ना, हाँ आएंगे हम लोग नाटक देखने जाएंगे ना? नो, आई हेट नाटक। ओके ओके, ये नहीं आएंगे, मैं आऊंगा, ठीक है अभी आप जाइए। जेठालाल ये क्या लगा रखा है, खुद पुलिस को बुलाते और खुद जाने को कह रहे हो? तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये असली पुलिस है। पोपटलाल, ये इनका ही छाता है, इनका ही है, आपका ही, आपका ही, आपके पास ही रखो, शांति से बैठिए। अरे नट्टू काका बागास, खड़े खड़े देख क्या रहे, जल्दी हवा दीजिए, गुस्से को ठंडा कीजिए। आइए नट्टू काका, आइए आइए, आपका ही छाता है, कोई लेके नहीं जाएगा। सेठ जी आपका ही, आराम से हवा डालो। डोंट टच। देखिए चालू जी, पांडे जी, दरअसल बात ऐसी है कि पुलिस का नाम सुनते ही या पुलिस को देखते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। सॉरी, जब तुमको पता है जेठालाल कि पुलिस का नाम सुनकर उसके दिमाग की पिन हिल जाती है तो पुलिस को बुलाया क्यों? नहीं नहीं, जब भी आपको मैंने फोन किया तभी मुझे पता नहीं था कि पुलिस का नाम सुनते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। तो कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले उनके जेब से चिट्ठी मिली, उनके बेटे ने लिखी है, उसमें लिखा था कि पुलिस का नाम सुनते ही पापा के दिमाग की पिन हिल जाती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या लिखा है? और लिखा है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पहले भी 3 बार ये अपने बेटे को चकमा देके भाग चुके हैं, इसलिए इस बार बेटे ने ये चिट्ठी लिख उनके जेब में रख दी थी। और गन का क्या, बेटे ने ये नहीं लिखा कि पापा गन लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, लिखा है ना क्या, गन का इनको बचपन से शौक है इसलिए जेब में लेके घूमते हैं। गन का शौक? 6 साल की कड़ी पुलिस ट्रेनिंग के बाद रोज सवेरे 4 बजे उठकर ठंडी में इतनी छोटी चट्टी पहनकर ऐसे ऐसे जॉगिंग किया तब जाकर गन मिला, और इसको सिर्फ शौक है तो गन लेके घूम रहा है, वो भी बिना जॉगिंग के? नहीं, पर इनके पास जो गन है वो तो नकली है, रमकड़े की है। जेठालाल, तब तो जॉगिंग क्या, वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं। जेठालाल, लो वो चिट्ठी का। चिट्ठी तो खा गए। खा गए? कौन? वो कैसे? ऐसे? अरे कैसे मतलब, चिट्ठी का निवाला उनके मुंह तक कौन लेकर गया? नहीं, क्या हुआ, मैं वो चिट्ठी पढ़ने में एकदम तल्लीन था, इतने में इन्होंने मेरे हाथ से चिट्ठी खींची, उसका गोयना बनाया और हबुक कर गया। तो अब आप बताइए। आइडियली तो मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन अपने साथ ले जाना चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकते हैं चालू जी, पांडे जी, पुलिस स्टेशन में तो चारों ओर पुलिस ही पुलिस होंगे, और पुलिस के नाम से तो आई नो। चालू जी, पांडे जी, मैं एक काम करूं। क्या? फिलहाल मैं इनको अपने पास यही गोडाउन में ही रखता हूँ, आप एक मेरा काम करेंगे। क्या काम? कैसे भी करके इनके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। तुम भी मेरा एक काम करो। हाँ बोलिए। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींच कर मेरे पास भेज दो, बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। हाँ, फोन में फोटो खींच के फोन में भेज दूंगा आपको, भेज दूंगा फोटो, भेज दूंगा। हाँ तो जेठालाल, मैं चलूँ? प्लीज, थैंक यू। चलो जी, पांडे जी। सर, आप ठीक तो है ना? आपने कहा था मैं 10 मिनट में बाहर ना हो तो तुम अंदर आ जाना।
हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। जडल कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींच कर मुझे भेज दो। मोपटलाल तुम भी निकलो, अभी कहाँ निकलो? जहाँ मर्जी। अरे भाई मेरा छाता यहाँ पर है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ओहो छाता, वरना तुम्हारे गोडाउन में मेरा क्या काम है? मोपटलाल मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारा छाता किसी भी हालत में तुम तक पहुँचा दूंगा। बस किसी भी हालत में मतलब? मुझे मेरा छाता इसी हालत में वन पीस में चाहिए। अरे किसी भी हालत में मतलब छाता किसी भी हालत में नहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा छाता तुम तक पहुंचा दूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके और मनर जी कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है ना? गए सब कलाकार लोग, गए चले गए। कौन कलाकार? अब क्या करेंगे? अगर इन्हें लेने कोई नहीं आया तो हमें पूरी रात इनके साथ यहीं रुकना पड़ेगा। मतलब ऐसी हालत में इनको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ओए इधर आओ। जी तुमको किसने बुलाया? तुम जाओ जाओ। रुको, अच्छा आप आ ही गए थे तो आ ही जाओ। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा क्या? क्या? पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगा। अरे पर आंख बंद कर ली तो देख कैसे पाएंगे? जब मैं बोलूंगा तब आंखें खोलना। सरप्राइज। चलो तीनों आंखें बंद करो। ओके ओके। नो चीटिंग। नहीं नहीं नहीं। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा क्या? क्या? पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगा। ओके ओके। नो चीटिंग। ये हम लोगों की आंखें बंद करवा कर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे ना? क्यों हमको चीटिंग नहीं करने का बोल के आप खुद चीटिंग कर रहे? चलो चलो इधर बैठो। अच्छा बच्चा किधर बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ वरना हमें मजबूरन आपको बांधना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत बांधो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूं। हाँ तो बैठे रहो कुर्सी में, बैठे रहो चुपचाप। भाई आप यहाँ? मुझे बबीता जी का फोन आया था कि आपकी दुकान में कोई भाई साहब उधम मचा रहे हैं, तो मैं उसे तुरंत कंट्रोल करने आ गया। बोलिए बोलिए ओबे भाई साहब, ऑर्डर देना दुकान आ रहे हैं कभी आज? कितना बजे जी? हेलो आपकी आवाज कट रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो कौन जी? मैं ये मेरे भैया है। बड़े या छोटे? आपको क्या लगता है? छोटे। ठीक है तो फिर छोटे रखते हैं। आइए भैया, एक मिनट है जरा भैया से मिलके आता हूँ। आइए भैया आइए प्लीज कुछ कीजिए, सेठ जी को मिलने और एक बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। ये भाई साहब है कि काबू में आ ही नहीं रहे हैं। अगर ये भाई साहब किसी तरह दुकान पहुंच गए तो दूसरा बहुत बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। भगवान
आज के दिन नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है। ऐसे पेशेंट कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत उत्पात मचाते हैं। थोड़ी देर अगर ये आराम कर ले तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। हाथी भाई प्लीज ऐसा कुछ कीजिए जिससे इनका दिमाग एकदम शांत हो जाए और इन्हें आराम भी मिल जाए। और हाँ हाथी भाई, इन्हें पता ना चले कि आप डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम सुनते ही ये महाशय ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम किसी तरह इनका कोट उतरवाने की कोशिश करो, तब तक मैं बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करता हूँ। ठीक है आती भाई, ऑल द बेस्ट। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, आज बहुत गर्मी है नहीं? आप सुबह से ये कोट पहन के घूम रहे हैं, थोड़ी देर कोट निकाल दीजिए, एकदम फ्रेश फील करेंगे आप। हाँ हाँ, गुड आइडिया है ना। हाँ। आराम से लाइए, मैं इसे यहाँ पे आराम से ऐसे रख देता हूँ। और सेठ जी, मैं ये कह रहा था, ये स्लीव्स भी आप ऊपर कर लीजिए, ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। मुझे देखिए, मैं तो ऐसे फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहनता ही नहीं हूँ, एकदम फ्रेश फील होता है। अरे वाह, रेडी है, एकदम रेडी है। लगाइए हाथी भाई, लगा दीजिए हाथी भाई, आराम से लगा दीजिए हाथी भाई। आप बागा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए, बागा को जल्दी होश आ जाएगा, मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका बढ़िया से पकड़िएगा, मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन छोड़िएगा भी नहीं, किसी भी हालत में छोड़िएगा मत। जल्दी कीजिए, जल्दी से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे, जल्दी से जल्दी पकड़ के रखिएगा। हाथी भाई, लैंड हिम हियर। ये क्या हुआ भाई, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, तीर छोड़ा था उत्तर में, निशाना लगा जाके दक्षिण। भाई मनहर को इंजेक्शन लगाने वाले थे डॉक्टर हाथी, लेकिन लग गया बाघा को। हालांकि मनहर को भी सुई लग गई, लेकिन अब सवाल ये है कि बेहोश मनहर को कहाँ ले जाया जाएगा, और ये बेहोश मनहर अगर होश में आ गया तो, और अगर होश में आ गया तो खुद को लगाई हुई सुई का बदला जरूर लेगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि मनहर के परिवार वालों को कैसे ढूंढा जाए, कौन ढूंढेगा इन्हें। भाई इन सारे सवालों के जवाब तो आपको मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके लिए, वो आप करते ही हैं और वैसे भी करेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। बागा, माय सन, माय चाइल्ड। नटू काका, आप बागा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए, बागा को जल्दी होश आ जाएगा, मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका बढ़िया से पकड़िएगा, मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन दूसरा इंजेक्शन छोड़िएगा भी नहीं, किसी भी हालत में छोड़िएगा मत। नटू काका, गलती से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे, जल्दी से पकड़ के रखिएगा। अजी भाई, लैंड हिम हियर। परेशान किया बाका? ये क्या, ये बाका को क्या हो गया? बेहोश हो गया सेठ जी, बेहोश हो गया।
ये भी बेहोश हो गए। कैसे? मेरी वजह से। आपने बेहोश किया दोनों को? हाँ। क्यों? सेठ जी, आज दुकान में ओबेरॉय जी आने वाले हैं ना, अगर इनके जागते आ जाते तो हमारा दूसरा बड़ा ऑर्डर भी चला जाता, इसीलिए हमने हाथी भाई को कहा इनको शांत करने के लिए कुछ कीजिए, तो हाथी भाई ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इनको इंजेक्शन देने के चक्कर में पहला इंजेक्शन बागा को लग गया और बेचारा वो भी बेहोश हो गया। अरे लेकिन नट्टू काका, आपको किसने कहा कि ओबेरॉय साहब आज ऑर्डर देने के लिए आने वाले हैं? क्यों, आप फोन पे बात करते करते बाहर गए ना, ऑर्डर देने आ रहे हैं आज कितने बजे, इसीलिए। नट्टू काका, वो अभी आज नहीं आने वाले, वो कल या परसों आएंगे, मैंने समझा दिया उनको। ये क्या किया आपने नट्टू काका? चिंता की कोई बात नहीं है जेठा भाई, थोड़ी देर में दोनों होश में आ जाएंगे। सेठ जी, होश में आने से पहले इनको कुर्सी से बांध दें। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये भागने की कोशिश कर रहे थे, होश में आते ही फिर से भागने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नट्टू काका, उनको बांधते नहीं है, वो कह रहे थे ना बेचारे, वो बांधने से उनको तकलीफ होती है। तो एक काम करते हैं सेठ जी, इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में इनको नहीं ले जा सकते, वहाँ इनकी पूरी केस हिस्ट्री और कोई इनका जानने वाला चाहिए होगा और बहुत सारा पेपर वर्क भी होगा। तो क्या कर रहे हैं? एक काम करते हैं जेठा भाई, इनको होश आए इनसे पहले इनको मेरे घर ले चलते हैं। हाँ अतिपा, ये अच्छा आइडिया है, सोसाइटी में हमें और लोगों की भी मदद मिल जाएगी। सही बात है। तो क्या होश में आने के बाद अगर ये भागना चाहेंगे तो भी भाग नहीं पाएंगे, बराबर है। लेकिन सेठ जी, इनको घर ले जाना खतरनाक नहीं होगा? नट्टू काका, वैसे ये बहुत अच्छे घर से है, वो तो किसी वजह से इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, बाकी ये बुरे नहीं है। हाँ नट्टू काका, इस वक्त ये छोटे बच्चे की तरह है, इनको कुछ भी पता नहीं है। हाँ और क्या, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक इनका कोई रिश्तेदार मिल नहीं जाता तब तक हमें इनका ख्याल रखना है ना? हाँ। ओके सेठ जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ। नट्टू काका, जब तक बागा होश में नहीं आता है आपको रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। चलो हाथी भाई चले। नट्टू काका, एक काम कीजिए, आप जाके एक रिक्शा रोकिए। रिक्शा? जेठा भाई, हम तीनों रिक्शा में जाएंगे? अरे हाँ हाँ। नहीं नहीं नट्टू काका, एक टैक्सी, टैक्सी रोकिए। नट्टू काका, अरे दरवाजा खोलो टैक्सी का। हाँ जी हाँ जी, खोलो रे, हाँ जी हाँ जी, क्या करो, जाओ। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या 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 कौन है ये? अरे मैं बताता हूँ, पहले इनको टैक्सी में तो बिठा लेना, तो गाड़ी में बाद में बिठाना, पहले बताओ इनको हुआ क्या? अरे भाई ये बेहोश हो गए। बेहोश हो गए या फिर? अरे चुप चुप बोल भाई, बेहोश बेहोशी हुए, इनको टैक्सी में बिठाने दो भाई, और रेंट के साथ हम दोनों भी बेहोश हो जाएंगे। ये बेहोश हुए कैसे? अरे तो टैक्सी वाला के पुलिस वाला कितनी तहकीकात कर रहा है तू? अरे भाई साहब, पूछना पड़ता है, कल को कुछ हो गया तो मैं लफड़े में फंस जाऊंगा ना। जेठा भाई बस, सॉरी सॉरी, अब मैं इनका वजन नहीं उठा पाऊंगा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, आप छोड़ देंगे तो मैं अकेला इनको नहीं उठा पाऊंगा, या गिर जाएंगे, इनको चोट वोट लग सकती है। अरे भाई साहब, अगर ये बेहोशी हुए हैं, इनके मुंह पे पानी छिड़को, खुद ही होश में आ जाएंगे और अपने आप गाड़ी में बैठ जाएंगे। फालतू का उठा के घूम रहे हो आप लोग। एक मिनट रुकिए, मेरे पास पानी है, मैं लेके आता हूं। अरे रुको रुको भाई, पानी नहीं चाहिए, इनको होश में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुझे क्या पंचायत है, क्या क्यों क्या क्या कर रहे हैं, छोड़ ना भाई, नट्टू काका दरवाजा खोलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट भाई साहब, देखिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप दूसरी टैक्सी ढूंढ लीजिए, मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। भाई साहब मैं नहीं ले जाऊंगा। अरे एक मिनट रुको, अरे ओ भाई, ओ भाई साहब, अरे नट्टू काका बोलो ना उसको। अरे रुको भाई, गड़बड़ नहीं है, अरे रुको बेटा, ये भगवान, ये नट्टू काका खड़े क्या है, दूसरी टैक्सी ढूंढ के लाइए। जेठा भाई अब और नहीं उठाया जा रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं आजी भाई, नहीं नहीं, वापस आइए, वापस आइए, हाथी भाई को जरा सहारा दीजिए। पर हाथी भाई को सहारा दूं? अरे भाई साइड से जरा टेका दीजिए, वो झुक रहे हैं। ठीक है जी जी जी, जल्दी जल्दी, हाथी भाई मुझ पे गिरना नहीं वरना मैं। अरे चुप चुप बोलिए नट्टू काका, टैक्सी टैक्सी, अरे नट्टू काका टैक्सी रोकिए, जल्दी टैक्सी रोकिए, आप संभालिए, जल्दी टैक्सी रोकिए, टैक्सी
एक मिनट मैं उधर से जाता हूँ, आप जरा इनका पैर अंदर लो। हाँ एक मिनट, आना था अभी, पैर अंदर लो, पैर अंदर ले लो, बंद करो दरवाजा। शाबाश बेटे, आती भाई आराम से संभल के। अरे 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 भाई आराम से भाई, सॉरी सॉरी, इधर ये गिर गए। एक मिनट, हाँ ठीक है चला, एक मिनट एक मिनट। अरे क्या है यहाँ पे? ये छाता। हाँ ये छाता है पप्पटलाल भाई। बैग, ऑल द बेस्ट। आप आओ, बाका का ध्यान रखना। जाइए आप जाइए गोडाउन में। हे भगवान, इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाए, ऐसा करना। हाथी भाई क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आप करा क्यों रहे? मैं? हाँ? मैं तो नहीं करा रहा हूँ। पर अभी आवाज आई, ऐसा कुछ। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। अच्छा, इसमें से इनमें से आवाज आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या होश में आ रहा है? नहीं नहीं, इतनी जल्दी होश में आना तो नहीं चाहिए। आने तो नहीं चाहिए मतलब आ सकते हैं? नहीं नहीं भाई, तुम टैक्सी भगाओ। टैक्सी भगाओ? कोई टेंशन वाली बात है? भाती भाई नहीं नहीं, पक्का ना? हाँ हाँ। हे भगवान, इनको होश आए उसके पहले हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाए, ऐसा करना। सामने सामने वो जो नीचे घर दिख रहा है ना, उधर उधर लगा दीजिए। हाँ बस बस बस, ये लो। हाथी भाई आगे आपका घर आ गया। चले चले, आप सो गए थे क्या? आइए आइए, मदद कीजिए, इनको बाहर निकालना पड़ेगा ना। आइए आइए। मैं मेरा छाता ले लेता उससे। कौन है ये? क्या हुआ इनको? अब्दुल, पहले यहाँ आके इनको उठाने में हमारी मदद करो, फिर सब बताते हैं। जेठालाल, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? अरे भाई, ये हाथी भाई ने इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। अभी बेहोशी की हालत में गोडाउन में कहाँ छोड़ के आते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। मेरा छाता कहाँ है? अरे वो टैक्सी में रह गया। जेठालाल, तुम टैक्सी, वो टैक्सी वाले भाई, अरे हाँ रुको, वो भाई साहब, वो टैक्सी वाले भाई साहब, वो टैक्सी वाले भाई, वो टैक्सी, अरे रुको, वो टैक्सी वाले भाई, अरे रुको रुको रुको। भाई साहब, मेरा छाता टैक्सी में रखा है, आगे रखा है। अरे साहब, आप मेरी टैक्सी में कब बैठे? अरे मैं आपकी टैक्सी में नहीं बैठा। तो आपका छाता मेरी टैक्सी में कैसे आया? अरे भाई, वो जो बेहोश आदमी के साथ दो लोग होश में बैठे थे ना, वो टैक्सी से उतरने के जोश में मेरा छाता यहीं भूल गए। अच्छा अच्छा, वो छाता? हाँ। वो पीछे डिग्गी में रखा है। मेरा छाता डिग्गी में? देखा भाई, और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं आती भाई, आपका घर तो आगे ना, दो कदम की दूरी पर तो है, हो जाएगा हो जाएगा, चलो चलो चलो। थैंक यू भाई, आप जाओ। लापरवाही की हद होती है। जेठालाल,
लेकिन घर खोलने के लिए तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ, अब्दुल। हाथी भाई, आपके घर की चाबी दो, मैं खोल देता हूँ। मेरा घर है, मैं खोलूंगा, तुम क्यों खोलोगे? तुम यहाँ के इनको उठाने में मदद करो। जेठालाल, मुड़बक कहीं का। जेठालाल, तुम मेरा छाता टैक्सी में कैसे भूल सकते हो? अभी टैक्सी निकल जाती तो मेरा छाता तो हमेशा हमेशा के लिए जाता ना। अरे भाई, इनको टैक्सी में से बाहर निकलने के चक्कर में भूल गया भाई तुम्हारा छाता। अरे कैसे भूल गए? तुमने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि किसी भी हालत में तुम्हारा छाता सही सलामत तुम तक पहुंचाऊंगा। अरे तो पहुंचा तो दिया ना भाई, अभी है ना छाता तुम्हारे हाथ में। यह जिंदा आदमी बेहोश पड़ा है, उसकी मदद करने के बजाय अपनी ये मरेली छतरी की रामायण लेके बैठे हो। मरेली तुच्ची। जेठालाल, तुमने मेरे छाते को तुच्छ कहा, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। ए आतिफ भाई, इसको भी एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ना, शांति हो जाए भाई। पर जेठा भाई, इनको इनके घर तक कौन उठा के ले जाएगा? खबरदार हाथी भाई, मुझे हाथ लगा तो। अरे मुझे क्यों बेहोशी का इंजेक्शन मारो? मैं क्या इसकी तरह सरफिरा हूं? सरफिरा हूं? सरफिरा नहीं का, वो अपने आप को सरफिरा कह रहा था। अरे बोला हाँ, हम छाता मेरे को सर फोड़ देंगे, भागो। वाह भाई, मैं सर फिरा हूँ भाई साहब, प्लीज मेरा छाता मुझे दे दीजिए। मैं अपना छाता किसी सर फिरे को क्यों दूँ? अरे बस खुश पड़ गई कलेजे को ठंडक। टैक्सी में से छाता मिल गया था तो चुपचाप छाता लेके घर पे चले जाना चाहिए था ना। मुझसे झगड़ा करने की लालच नहीं रखी होती तो भी तुम्हारा छाता तुम्हारे पास ही होता ना। इसको कहते हैं हाथ ना करे हये वाईगा। देखिए, ये छाता आपका ही है, सिर्फ एक मिनट के लिए मुझे दे सकते हैं? मैं सिर्फ एक मिनट के लिए भी अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? लाल, क्या हो रहा है ये? कौन है भाई साहब? ए, टोपा निकाल कर बात करो। क्या निकाल के बात करो? टोपा टोपा, तुम्हारा हेलमेट। तो भाई, मुझे हेलमेट निकालने वाले आप कौन है? ये थोड़े क्या इशारा कर रहे हो जेठालाल? मनहर लाल जी, मनहर लाल। अय्या, कुछ अलग ही नाम है, थोड़े मनहर लाल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनका नाम होगा मनहर लाल थोड़े, मतलब थोड़े आडनाव असेल ना, आप लोग कसे भिड़े तसे। बराबर बराबर, जैसे तुम्ही भिड़े तसे है थोड़े। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कौन? ए, मेरे बारे में पूछने वाले तुम कौन होते हो? भाई साहब, आप जिस सोसाइटी में आप खड़े हैं ना, उस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं मैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े। मेरी ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होकर पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचानते? क्या बोलते, क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये मेरी सोसाइटी है, मैं इसका मालिक हूँ। मालिक सांगते मी कदा पासून? कदा पासून नाही जेठालाल, कधी पासून? कढी लसून। आती भाई, मैं जैन हूँ, मेरे सामने ये लसून बसून मत बोलिए प्लीज। लसून को जाने देते हैं, ये कढ़ी की क्या बात हो रही थी? ओहो, कोणाच काय तो कोणाच काय। बहन जी, ये आपके डिब्बे में क्या है? इसमें मेरे पापड़ है। नहीं, ये मेरे पापड़ है, मुझे पापड़ बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छे पापड़ है। क्या पापड़ है भाई साहब? मुझे डिब्बा दीजिए। ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये हमारा डिब्बा है, दीजिए वापस।
का चल रही जेठा कौन है कौन नहीं है आप? वो भाई साहब वो ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा स्कूटर है, मैं जो चाहूं वो करूं। हबो, ओ भाई साहब ये मेरा स्कूटर है सखाराम। ये मेरा राजा राम है। काहे बोलते? ओ भाई साहब हेलो तो। अरे अरे ये मार लो मत। क्या ओके उतरो नीचे उतरो पहले। अरे चालू ना चालू के लिए स्कूटर है नहीं। ए बंद करो स्कूटर, स्कूटर बंद करो। आदमी कौन है जो भिड़े में एक स्कूटर चला रहा है? अरे कोमल ये एक सिरफिरा आदमी है जिसने सबको परेशान कर रखा है। हाँ और जो भी चीज देखता है बोलता है मेरी है। मानसिक संतुलन हिल गया है भाई। अरे मानसिक संतुलन हिल गया तो मैं संतुलन कैसे बनाए कर रुक। अरे ये अरे रुक ये वो सकरा में कुछ हो जाए भिड़े को मालूम नहीं है। अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सकर को लेके जा रहे भाई। भाई छोड़ने वो ऐसे ही खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं इधर। क्या घुमा रहे सकर को कौन से? अरे ये काय बेड़े पड़ा सकर से। हां खेला था ये, खेलो दे। हेलो खेलो खेलो बच्चों खेलो। भाई खेलो खेलो तो खेलो सामने। भाई मैं लोनावला जा रहा हूं। अच्छा Jingle all the way. बताइए दोस्तों ये सैंटा क्लॉज आपके लिए क्या लेके आया है? है आपके लिए इस झोले में कुछ? बताता हूँ। जी हाँ, मैं झोले में से निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए खुशखबरी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज 2100 यानी कि 2100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और ये सब संभव हुआ है आपके प्यार दुलार और साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जिस तरह से सैंटा क्लॉज अपने झोले में से खुशी निकालते हैं, गिफ्ट्स निकालते हैं, हम आपके लिए हंसी ठहाके और खुशियां ऐसे ही निकालते हैं। और इस वक्त यहाँ गोकुल धाम में धमाल ही धमाल, बवाल ही बवाल, जिसका कारण है सर फिरे मनहर लाल। गोकुल धाम निवासियों का है बुरा हाल, इसके कहर से कैसे बचेंगे सबके मन में है यही सवाल। अब क्या होता है आगे कमाल ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। मैरी क्रिसमस। बाय। मैं लोनावला जा रहा हूँ। अच्छी घर लेते आइएगा। अरे वास्ता सकरम वास्ता। सॉरी थैंक यू वेरी मच, तुमने राइट टाइम पे एंट्री मारी वरना ये मेरे सकरम को लेके लोनावला पहुंच जाता। उतरो नीचे। थैंक यू। बंद करो इसको, बंद करो। विचित्र मानुष है। मिल गया ना स्कूटर वापस, मेरी जवाबदारी पूरी बस। और मेरी जवाबदारी का क्या? मेरे छाते की जवाबदारी पहले ली थी तुमने। हाँ तो भाई वो जवाबदारी भी पूरी की ना मैंने, छाता मिल गया था तुमको, लेकिन तुम्हारी मस्ती की वजह से वो छाता गया उनके पास वापस। मरे अब बड़ो सूट चाली छे। हाँ बड़ो भाई साहब कौन है और तेरा स्कूटर लेके कितने जा रहे ने? अरे ओ तुमसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे बात करो। ठीक है भाई साहब जी, तुसी दस दो तुसी कौन हो और पिड़ू दा स्कूटर लेके कितने जा रहे हो? पहले तुम बताओ सरदार जी, मेरी जीप तुम्हारे पास कैसे आई? हां बोल। ओ नाना ना जी, ओ है तो मेरी जीप है, क्यों सुनिए? हां नीचे उतरो, नीचे उतरो, मुझे अपनी जीप में लोनावला जाना है। जीप की लाना मत भूलिएगा। अरे हाथी बॉय आज चिकी चिकी साले बगा पसुन। आज ओनी हमारी जीप में लोनावला गेला जी भी वाट करे छे। रोशन रोशन भाभी गेलो अच्छे। थोड़े थोड़े तो थोड़े मनहर लाल जी हैं। थोड़े नहीं पूरे मनहर लाल जी हैं। आता थोड़े नहीं पूरे, आता आठ नाव बदल ला पूरे झाले। आता खरस पूरे झाले। चलो जीप से उतरो, मुझे लोनावला जाना है। अरे काय
ओ जेठा प्रा मैं की इशारे करो यार, ओ मैं तो कुछ समझ ही नहीं लग रही। रोशन मारी बात समझ, आ गेलो छे सच्ची मुच्ची नो गेलो, चक्रम छे चक्रम खन चक्कर। देखिए प्लीज आप मेरी जीप से नीचे उतरिए, मुझे लोनावला जाना है, इनके लिए चिकी लानी है। ओ ये आपकी गड्डी है, आप इस गड्डी में आराम से सुरक्षित होगे, लोनावला जाओ। ओ सुनिए चल तू भी उतर मैं भी उतर जाना, आओ जी आओ, आप जाओ लोनावला जाओ जी जाओ जाओ। छोटी तो जीप से क्यों उतरा, जैसे वो भीड़ का स्कूटर लेके भागे थे अभी तेरी जीप लेके भागेंगे। वो ऐसे कैसे भागेगा जेठा प्रा, वो चाबी तो इतने है। अरे वाह वाह पापा जी तुसी ग्रेट हो, जेठा प्रा तुम मेरे फेवरेट हो। चाबी मेरी चाबी, मेरे जीप की चाबी तुमने ले ली, ये चीटिंग है। मुझे घंटे खत्म समझ चुका है, मैं अपनी जीप की चाबी लेकर रहूंगा। ये तो अभी पुंजी पर चाबी ले ली, भाग तू भाग, चाबी ले ली, चाबी ले ली, छाता छोड़ दे, लोना वाला मैं बाहर आ गया, छाता छोड़ दे, अरे मेरा छाता, अरे क्या छाते लो, मेरा छाता छाता मत देना, मत देना, मत देना, छोड़ी चाबी मत देना, अरे क्या छाता, अरे क्या छाता, बंदे को पागल को, अरे मेरा चेंडा बना दिया, अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे ये आपकी नहीं मेरी छड़ी है। अरे भाई मेरी छड़ी है बापू जी, नहीं आपकी आपकी है, बराबर है आपकी छड़ी। अभी अभी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से हैरत अंगेज खबर आई है, जब एक जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी अचानक ड्राइवर के डिब्बे में घुस गया और कहने लगा ये शहर मेरा है। ये है उस घनचक्कर की तस्वीर। बापू जी ये तो वही भाई है जिनको हमने टीवी में समाचार में देखा था ना, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, वही भाई है। अच्छा बाबूजी ये आपकी छड़ी नहीं है, भाई ये आपकी छड़ी है, रखिए आप अपने पास रखिए। इन सब में एक आप ही समझदार लगती हैं। देखा देखिए आपको छड़ी मिल गई है ना, आप छड़ी अपने पास रखिए, छाता दे दीजिए, दोनों का क्या करेंगे, डांडिया खेलेंगे। डांडिया, ओह आई लव डांडिया। आपको डांडिया पसंद है? मुझे डांडिया और गरबा खेलना बहुत पसंद है। वाह वाह तू तो एकदम सही जगह पर आए हैं। हाँ जी हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी है। हमारी नहीं मेरी। ओ जी आपकी जो प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वो तो वर्ल्ड फेमस है गरबा और डांडिया के मामले में। तो चलो हम डांडिया खेलें मजा आएगा। ये कह रहा था कि तू गरबा करते करते ऊपर घर पे चली जा तो तेरे पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। अभी इनको बोल कि अभी गरबा करते ताकि वो नीचे रख देंगे ना, तो बापूजी की छड़ी और उसको छाता दे देता हूँ पोपटलाल। सुनिए सुनिए देखिए मेरे पास तो डांडिया नहीं है और अभी हमने डांडिया कर लिया ना, तो अभी ये रख दीजिए हम गरबा करते हैं।
भाई चिट्ठीलाल, कहाँ से लेके आए इसे? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है ये, पोपटलाल तुमको बाद में सबको विगत और बता देगा। वैसे मैंने चालू जी पांडे जी को बोल दिया इनके बारे में, वो इनके बेटे को ढूंढ रहे हैं। बस सब मिलकर प्रार्थना करो कि इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर वालों के साथ अपने घर पे पहुंच जाए। मैं काम करता हूँ, रीटा रिपोर्टर को तुम्हारे घर पर आने के लिए बोल देता हूँ, वो कवरेज लेकर जाएगी और टीवी पे दिखाएगी, तो हो सकता है उनका बेटा जल्दी मिल जाए। अरे वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा आइडिया, थैंक यू बाबूलाल, थैंक यू। चलो बाबू जी घर पे चलते हैं। मैं भी साथ में आता हूँ, कहीं कुछ पंगा हुआ तो मैं से मार लूंगा। नहीं छोटी, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। पर कोई जरूरत पड़ी तो फोन कर देना यार। हाँ जरूर जरूर जरूर, वो तो सबको कर दूंगा। ठीक है चलो, आइए बहुत टाइम के बाद डांडिया गरबा किया, मजा आ गया और थक भी गया। हाँ, वो बराबर थक तो गए। आओ यहाँ बैठ जाओ। अरे आप मेरे झूले पर क्यों बैठे हो? मेरा झूला है, मैं बैठूंगा, उठो। तुम्हारा ही झूला है, तुम बैठो बैठो बैठो। बापूजी सॉरी है, आप इनकी बात का बुरा मत लगाना, वो इस तरह बात कर रहे हैं आपसे तो। नहीं नहीं जेठिया, मुझे पता है ये तो एक छोटे बच्चे की तरह है, इसकी बात का क्या बुरा मन। लेकिन टपू के पापा, ये हमारे सोसाइटी में आए कैसे? अरे बहुत लंबी कहानी है, हुआ यूं। तो रजवाड़ी चाय दे। 100 रुपया। ये मेरी दुकान है, बाहर निकलो, इसको बाहर निकलो। अभी चखाता हूँ मजा। वही घन चक्कर है जिसके बाद दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है। वही है, वही है। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींच कर मेरे पास भेज दो, बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। तो अभी चालू पंडित जी भी कोशिश कर रहे कि जल्द से जल्द इनके बेटे का पता चल जाए। तो एक बार उन्हें फोन करके पूछना कि कुछ पता चला। अरे नहीं, इनके सामने मैं पुलिस को फोन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो पुलिस के नाम से भड़क जाते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं बेडरूम में जाके चालू पंडित जी से बात करता हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखना। हाँ आपको पता है गरबा करने के बाद सबसे अच्छी चीज क्या है? झूला झूलना, वो तो मैं झूल रहा हूँ। वो तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो झूला झूलने के साथ साथ भी हो सकती है। झूला झूलने के साथ क्या? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। मैं बताता हूँ, झूला झूलने के साथ गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। चाय नहीं, हा? चाय के साथ नाश्ता। मैं दूसरा बताइए तो, नाश्ते में आपको क्या अच्छा लगता है? चाय के साथ भजिया, गर्मा गर्म भजिया, वो मेरा फेवरेट है। तो आप एक काम कीजिए, आप और शांति से झूला झूलिए, मैं आपके लिए मसालेदार चाय और गर्म गर्म भजिया भजिया लेकर आती हूँ। हाँ मजा आ रहा है ना झूला झूलने का? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ चलो जी, पांडे जी कुछ पता चला? नहीं जेठालाल कुछ पता नहीं चला। अच्छा वो तुम्हारे उस घनचक्कर का क्या हाल है, इस वक्त क्या कर रहा है? वो झूला झूल रहे हैं। जेठालाल तुम्हारे गोडाउन में झूला भी है क्या? नहीं नहीं, वो अभी मेरे गोडाउन में नहीं है, मेरे घर पे है। वैसे उसे खले जाकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जेठालाल,
शायद घर के वातावरण में उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। एनीवे मुंबई पुलिस उसके बेटे को ढूंढने में लगी हुई है, जैसे उसका पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके थैंक यू चालू जी पंडित जी थैंक यू बाय टेक केयर। झूलो झूलो आराम से झूला झूलो। बात हो गई? हाँ क्या कहा? अभी तक कुछ पता नहीं चला लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस पुलिस किसे ढूंढ रही है? नहीं पुलिस किसी को ढूंढ नहीं रही है। मैं दया को ढूंढ रहा हूँ। दया मेरी दया को। अरे दया बहु इनके लिए चाय और भजिया बनाने गए। ओ चाय और भजिया। अरे वाह वाह आई 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 आपके लिए गर्मा गर्म चाय और भजिया दया अभी लेके आई रही होंगी। अरे दया ला जल्दी चाय और भजिया ला इनके लिए। जेठा भाई मुझे पोपटलाल का फोन आया था, उसने मुझे कहा कि आपके घर में कोई सरफिरा है। कहाँ है वो सरफिरा? सरफिरा तुमने मुझे सरफिरा कहा? नहीं 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 आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा, वो सरफिरा नहीं बोली। हाँ कोई नहीं बोला। नहीं मैंने बराबर सुना, इसने मुझे सरफिरा कहा। सरफिरा नहीं वो सरफरोश। सरफरोश बोले वो पिक्चर नहीं है आमिर खान की सरफरोश, वो इनकी फेवरेट पिक्चर है। तो उसकी एक पर्सनल डीवीडी भी बसा कर रखी है इन्होंने। तो क्या परसों इन्होंने मुझे वो डीवीडी देखने के लिए दी थी और कल मुझे वापस लौटानी थी, मैं लौटा नहीं पाया, इसलिए अभी वो मांगने आए। क्या कहाँ है सरफरोश? सरफरोश कहाँ है सरफरोश? कहाँ है सरफरोश की डीवीडी? मेरी डीवीडी मुझे वापस दीजिए। चलिए मत देना इसको डीवीडी। क्यों? ये चोर है। चोर? चोर? मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, इसने मेरा माइक चुरा लिया है। ये मेरा माइक है, दे दो मुझे वापस माइक। नहीं ये मेरा माइक है, मुझे आप बोलिए। नहीं 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 दे दो। ये चैनल का माइक है, मैं इनको नहीं दे सकता। चैनल का नहीं है, मेरा माइक है। कोई नहीं मेरी जवाबदारी, मिल जाएगा वापस। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक 1 2 3। अब आप सुनेंगे एक सुमधुर गाना जिसकी फरमाइश की है चिंच पोकली से टुन्नु मुन्नु भुन्नु और भुन्नु। वाह 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 बहुत बढ़िया गाने। थैंक यू। अरे तुमने मेरा कैमरा क्यों लिया? ये मेरा कैमरा है, दो मुझे। नहीं नहीं मैं कैमरा नहीं दे सकती। दे दो मेरी जिम्मेदारी, दे दो दे दो। चिंता भाई पूरे 2 लाख का कैमरा है, मेरी नौकरी का सवाल है। अभी कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी दे दो मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। दे दो मेरा कैमरा दो। दे दो कुछ कुछ नहीं, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। चलो अब डांस की शूटिंग हो रही है, डांस करो। अरे कैसे नाच सकते हैं, म्यूजिक तो है नहीं। अरे म्यूजिक तो बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ सुनाई दिया। तो चलो लाइट कैमरा एक्शन डांस। बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं नाच रहा हूँ ना, आप रहने। तुम क्यों नहीं नाच रहे हो? नहीं बाबूजी को डांस नहीं आता है इसलिए। डांस नहीं आता है? फिर भी डांस करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, वरना ये डायरेक्टर मनहर हीरा बंसाली ये कैमरा तोड़ देगा। तो चलो डांस करो, लाइट कैमरा एक्शन। तुम लोग क्यों नहीं डांस कर रहे हो? अरे नहीं हम दोनों तो यहाँ पे शूटिंग देखने आए हैं ना। तुमको अंदर किसने आने दिया? No guests allowed. Get out. नहीं ये लोग मजाक कर रहे हैं, बाहर मत जाना, वो करना ना शूटिंग वीडियो क्या फिर। तो चलो डांस करो, चलो नाचो।
मेरी जिम्मेदारी ना तो कुछ नहीं होगा इसमें भी। अरे बाद में रिपोर्टिंग भी करना है ना, वो तो भगा देगा तुम दोनों। जान न पहचान गले पड़े मनहरलाल, बिल्कुल सही सुना आपने। मनहरलाल गोकुलधाम निवासियों के गले पड़ चुके हैं, बड़ा उधम मचा चुके हैं, सबकी नाक में दम कर चुके हैं, सब बड़े परेशान हो चुके हैं। सबके दिमाग में यही सवाल है कि आखिर इस मनहरलाल के घर वाले कब मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, और नहीं मिले तो? अगर नहीं मिले तो क्या ये मनहरलाल सारी जिंदगी गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य बन के रहेगा? भाई क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मनहरलाल क्या करते हैं, मनहरलाल के परिवार वाले मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या किस तरह से मिलते हैं, सब पता चलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, मस्त रहिए। वाह क्या खुशबू आ रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव गोकुलधाम सोसाइटी से। मेरे पीछे बैठकर जो शख्स नाश्ता कर रहे हैं, जरा उन्हें गौर से देखिए। इस शख्स का नाम है मनहर लाल मनमौजी। इस शख्स की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और ये अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। यहाँ हमारी कोशिश है कि हम इस शख्स को लाइव दिखाकर आप लोगों को ये बता सके कि यदि आप या आप में से कोई भी व्यक्ति इनके परिवार को जानता तो तुरंत उनके बेटे को सूचित करें, ताकि वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में आकर अपने पिताजी को यहाँ से लेके जा सके। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। चीता भाई मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, अभी हम चलते हैं, ठीक है? शाबाश रीटा, आज तुमने बहुत ही उम्दा काम किया है। लोगों की मदद करना ही संचार माध्यम का सही उपयोग है बापूजी। हाँ लेकिन बापूजी जो आप इनके लिए कर रहे हैं उसके सामने जो मैंने किया वो तो कुछ भी नहीं है। आई जस्ट होप कि इनका बेटा आप लोगों से जल्द कॉन्टेक्ट करे और इन्हें वापस अपने साथ ले जाए। अभी रीटा तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो, क्योंकि इनका चाय नाश्ता खत्म हो गया ना, फिर से गाने की शूटिंग चालू कर देंगे और ये तेरा डांसर फिर रुकेगा नहीं। हाँ हम लोग चलते हैं। थैंक यू भाई, बढ़िया। भजिया और तीखी तीखी चटनी के बाद चाय का सिप लेने में क्या मजा है, क्या खुशबू है चाय की और भजिया की भी। थैंक यू। वाह क्या मस्त चटनी है। चटनी अच्छी लगी और लाओ। नहीं नहीं बस। कितने प्यार से शांति से बैठ के खा रहे हैं। इनको देख के कोई कह सकता है कि आज पूरा दिन इन्होंने कितना उधम मचाया। ये सब प्यार का कमाल है जीके, प्यार में बहुत ताकत होती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी भी प्यार से ठीक हो सकती है। बापू जी वाह वाह क्या बढ़िया बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। चटनी ज्यादा तीखी हो गई है। नहीं, ये आंसू चटनी की वजह से नहीं, चांदनी की वजह से। चांदनी? मेरी बेटी, वो भी ऐसे भजिया बनाकर मुझे खिलाती थी। शादी करके विदेश चली गई,
सालों बाद किसी ने प्यार से मुझे ऐसे खिलाया। क्या अभी आप मुझे बताइए, ये आपका घर है ना? हाँ। तो मैं आपकी बेटी होएगी नहीं? होएगी नहीं? तो फिर चलिए ऐसा पूछ लीजिए। वाह, अभी आप शांति से ये भजिया की मजा मारिए, भजिया खाइए। खाओ ना, खाओ ना। आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? जी आप कौन? जी मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि मनोहर लाल जी आपके घर पे हैं। आप जानते हो उनको? हाँ। अरे भाई साहब, तो उनके किसी रिश्तेदार या परिवार वालों का कुछ नंबर आता पता कुछ दे सकते हैं आप? जेठालाल जी, मैं मनोहर लाल जी का बेटा ही बोल रहा हूँ। क्या? समीर मनमोह जी। इनके बेटे का फोन है समीर भाई। देखिए आपके पिताजी हमारे घर पे बिल्कुल सही सलामत है, अब जितनी जल्दी हो सके हमारे घर पे आ जाइए। हाँ मैं अभी पहुँचता हूँ। आइए आइए। थैंक यू, थैंक यू। आइए जी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मनोहर लाल जी, अभी आपके बेटे समीर का फोन आया था। समीर? अरे वाह समीर। हाँ कहाँ है वो? मैं घर पे उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ भटक रहा है। नहीं नहीं वो भटक नहीं रहे, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। यही आसपास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। अरे वाह मिलने आ रहे हैं। जी एक बार समीर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। बापू जी बेटे का नाम सुनते कितने खुश हो गए। नहीं जेठालाल जी आप ही है ना? जी समीर। पापा 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 कहाँ चले गए थे? पापा मैं तो यही घर पे ही था। तू बता तू कहाँ भटक रहा था? मैं आपको दूसरी जगह पे ढूंढ रहा था। अरे ढूंढ रहा था मतलब क्या, मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो खो जाएगा? और वैसे भी आदमी घूम फिर के अपने घर पे ही तो आता है। बैठ आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं पापा बैठने का वक्त नहीं है, मैं आपको लेने आया हूँ, चले चलते हैं। कहाँ? घर। लेकिन हम अपने घर पे ही तो हैं। हाँ हाँ ये भी हमारा ही घर है, पर मैं अपने दूसरे घर की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं मुझे कोई दूसरे घर नहीं जाना है, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। पापा वहाँ पर आपको और मजा आएगा। हाँ और अगर वहाँ पे मजा ना आए तो वापस यहाँ आ जाना। तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। पर वहाँ पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं पापा। कौन सब? हमारे घर वाले। एक मिनट मैं आपकी सबसे बात करवाता हूँ, सब लोग आपकी आवाज सुन के ना एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ निशा पापा मिल गए हैं। हाँ हाँ एकदम मजे में, ये लो बात करो और सबसे बात करो। ये लीजिए पापा बात कीजिए। हेलो। हाँ कौन? अरे निशा बेटा कैसी हो? सबसे पहले तो मेरे पापा की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं कैसे बात कर रहे हैं समीर भाई आप? अरे अरे बेटा इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे पापा के लिए आजकल कोई सगा भी नहीं करता। समीर भाई अभी शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें। पर समीर भाई जरा बताएंगे कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है? इनकी ये हालत सदमे की वजह से हुई है। मेरे पापा मनोहर लाल M&M ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। एक बार उन्हें फॉरेन टूर के लिए जाना था और इसीलिए अपने बिजनेस की बागडोर और पावर ऑफ अटर्नी अपने छोटे भाई यानी कि मनसुख चाचा को देकर गए थे। लेकिन जब मेरे पापा फॉरेन टूर से वापस आए तब उन्हें पता चला कि मनसुख चाचा ने उनकी सारी कंपनियां अपने नाम पे करवा ली और मेरे पापा को अपनी ही कंपनी से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। मेरे पापा चिल्लाते रहे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अच्छा इसीलिए ये जो भी चीज देखते हैं वो कहते कि ये मेरा है, ये मेरा है। जी हाँ मनसुख चाचा मेरे पापा के सगे छोटे भाई
और मेरे पापा मनसुख चाचा से बहुत प्यार करते थे, और इसीलिए चाचा ने जब पापा को धोखा दिया तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ऐसी हालत हो गई। लगता है इनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। भाई ने दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं है। पैसों के लिए भाई ने भाई को ही लगा दे दिया। मेरे सामने आ जाए ना तो उसे छड़ी मार मार के सीधा कर दूंगा। वो छड़ी तो पड़ चुकी है चाचा जी, भगवान की छड़ी जिसमें आवाज नहीं होती है। हमने चाचा जी के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था और चाचा जी केस हार गए। माता जी देखा, सब देखते हो माता जी। भाई के साथ ऐसा किया ना तो माता जी ने बदला दे दिया। आज उसी केस की सुनवाई के लिए मैं कोर्ट गया था, तभी पापा घर से निकल गए और हम सब तब से उनको ढूंढ रहे। ले बेटा, सबसे बात हो गई, अब वहां जाने की कोई जरूरत। पापा सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। नहीं नहीं, यही अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, तू उन सबको यही बुला ले, यही हम मजा करेंगे सब। मोटा भाई मनसुख, मोटा भाई मनसुख, तू? हाँ मोटा भाई। अच्छा, मतलब तू ही है वो जिसने अपने सगे भाई को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे? मोटा भाई, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मोटा भाई, मैं आपका गुनहगार हूं। जब मैंने आपको न्यूज चैनल में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा यहां पर आ गया। जो गुनाह मैंने किया है वो कबूल करने के लिए। मनसुख तू चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मोटा भाई, ए मोटा भाई, मोटा भाई, मैं मानता हूं कि पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोटा भाई, आपने मुझे कितना प्यार दिया, जितना विश्वास आप अपने पर भी नहीं करते थे उतना विश्वास आपने मुझ पर रखा, और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आपका दिल दुबाया, मैंने दुख पहुंचाया आपको, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मोटा भाई माफ कर दीजिए। नहीं मनसुख, नहीं, तू चला जा। नहीं मोटा भाई, नहीं मोटा भाई, मैं मानता हूं कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ नहीं किया ना मोटा भाई, तो जिंदगी भर ये बोझ मेरे सर से उतरेगा नहीं। मैं आपका कसूरवार हूं, आपका गुनहगार हूं, आप मुझे सजा दीजिए। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मोटा भाई माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए। मोटा भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा। कैसी बातें कर रहा है कोई अपने बड़े भाई के सामने ऐसे गिड़ गिड़ आता है? आओ गले मिलो मोटा भाई। चलो अन्न भला तो सब भला है। छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और बड़े भाई ने भी उसे माफ कर दी। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि क्षमा ही सच्चा आभूषण होता है। मोटा भाई चलिए अपने घर चलते हैं। चल। अरे रुको 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 रुको, अब क्या हुआ? मैं एक काम भूल ही गया।
जाने से पहले मैं अपनी बेटी से मिल तो लूं। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बेटा, ये कंगन तुम्हारे लिए। ये बड़ा लकी कंगन है, इसने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। अब तुम ये रखो, ये तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा। ये लो। थैंक यू। चलो चलो, सब मेरी राह देख रहे हैं। हाँ चलो भाई। थैंक यू मनर भाई। आओ जो मनर लाल जी। आओ जो। हाँ, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो गया है। हाँ बाबूजी, मनर को उसका मनर को उसका परिवार मिल गया और भाई भाई में भी सुलह हो गई। सुलह हो गई। हाँ, और हमें हमारा लक्की कंगन भी मिल गया। अरे हाँ, कंगन कमाल वापस मिल गया। अरे सिर्फ कंगन नहीं, चबुके पापा लक्की कंगन बोल दिया। भैया अभी ये कंगन लक्की है कि नहीं, वो एक चर्चा का विषय है। अरे उसमें चर्चा क्या? देखिए टपू के पापा, मनहर काका की अपने छोटे भाई से सुलह हो गई। क्यों? क्योंकि ये लक्की कंगन उनके पास था। दूसरी बात, मनहर काका अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन उनको अपना परिवार वापस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये लक्की कंगन उनके पास था। ये कंगन की वजह से ये... वैसे तो तूने मुझे क्या बोल के लक्की कंगन दिया था कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा? मिला मुझे बड़ा ऑर्डर? टप्पू के पापा आप एक बात भूल रहे हैं, ये लक्की कंगन तब मनहर काका के पास था, आपके पास नहीं था। अभी देखिए टप्पू के पापा, ये कंगन आप अपने पास रखिए, देखना आपको जल्द से जल्द बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। सॉरी जेठालाल। सॉरी इसलिए? आज मैं तुम्हारी दुकान पे आया था और उस आदमी की बदतमीजी की वजह से वहाँ से गुस्सा होके चला गया था। तो उसके लिए मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जेठालाल, मैंने टीवी में देखा, उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हारे हाथ से चला गया, फिर भी तुमने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और ऊपर से तुम उसे अपने घर लेके गए। हैट्स ऑफ टू यू जेठालाल, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, वो क्या है सिंघानिया साहब, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, बहुत बड़ी बात है जेठालाल, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी कंपनी का हर ऑर्डर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सिंघानिया साहब, थैंक यू। और जेठालाल, कल मेरा आदमी रिक्वायरमेंट की लिस्ट लेके आ जाएगा। ओके 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 सिंघानिया साहब, थैंक यू। पप्पू जी, क्या हुआ? सिंघानिया साहब का ऑर्डर हमें मिल गया। सच में ये तेरा कंगन लक्की नहीं, डबल लक्की है। चमू के पापा, आपने क्या खुशखबरी सुनाई है, मैं अभी लैप्सी बनाती हूँ और अब सबका मुंह मीठा करवाई। हां बना 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 बना, जल्दी बना। अच्छा जेठिया, मैं अपने कमरे में हूँ। हां जाता हूँ बस। हां हां, नंटू काका बोलिए। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, बधाई हो बधाई। थैंक यू, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? मुझे तो पता चलेगा ही ना, मैंने तो सब कुछ किया है। एक मिनट, आपने क्या किया? क्यों, पानी तो मैंने ही छिड़का है ना, आपने थोड़े छिड़का है। पानी छिड़का है? कहाँ पानी छिड़का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बागा के फेस पे। ओ, बागा होश में आ गया? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको कांग्रेचुलेशन कहा। ओ अच्छा अच्छा, आप बागा की बात कर रहे थे। आज तो ओ ठीक है, बागा आस पास है? हाँ हाँ है ना। दीजिए फोन दीजिए। एक मिनट सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। बागा सेठ जी से बात करते। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, कैसा है? गीला गीला हूँ। अरे भाई तो पानी पोंछ ले, सूखा सूखा हो जाएगा। अच्छा बाकी सब ठीक है ना? बेहोशी में और कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुई ना सेठ जी, बहुत बड़ी तकलीफ हुई। क्या? बावरी जी के 25 मिस कॉल आ गए। अरे तो फोन उठाया क्यों नहीं? सेठ जी मैं फोन कैसे उठाता, मैं तो बेहोश था ना। भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नटू काका की बात कर रहा हूँ। नटू काका ने फोन क्यों नहीं उठाया? सेठ जी नटू काका बेचारे फोन कैसे उठाते? क्यों, तुझे कंपनी देने के लिए वो भी बेहोश हो गए थे? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा फोन साइलेंट पे था।
ओहो ठीक है चलो ओके। एक मिनट सिद्ध जी। हाँ आप तो बताइए आप किस बात के लिए थैंक यू कह रहे थे। अरे हाँ नटू काका हमें सिंघानिया साहब का ऑर्डर मिल गया, मैं उसकी बात कर रहा था। सिंघानिया साहब का ऑर्डर मिल गया? हाँ। ऑर्डर कैसे मिला सेठ जी? सिंघानिया साहब तो सवेरे दुकान से गुस्सा होकर चले गए थे। हाँ नहीं बराबर, लेकिन अब भी उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर मिलने की खुशी में आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। ठीक है आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में खाना मत खाना। आज मेरी तरफ से महालक्ष्मी माँ भोग के 5-star थाली खाना, ठीक है? अरे वाह थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए सेठ जी अभी हम फोन रख रहे हैं। ओके नटू काका ओके। रहीम का एक दोहा तो आपने भी सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका है, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जीवन में प्रेम के रिश्ते बड़े कमाल के होते हैं। यही हुआ मनहरलाल के साथ। मनहरलाल के भाई ने जो भाइयों के बीच के प्रेम के रिश्ते का धागा है उसे तोड़ने की कोशिश की, बदले में केस भी हार गए बंसुखलाल और बदनामी हुई। लेकिन बड़े भाई इस आघात को सहन नहीं कर पाए, सदमा पहुंचा, मानसिक आघात लगा। जीवन में प्रेम के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें जतन करके रखना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, क्योंकि जिंदगी में प्रेम के रिश्ते अगर टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं है। और इस किस्से से हमने एक बात और सीखी, अगर कोई मानसिक रूप से असंतुलित है तो उसे समझिए, उसे सहानुभूति दीजिए, उससे अपना प्रेम दर्शाइए। खैर मनहरलाल तो अपने घर चले गए, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये गोकुल धाम यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। अब नई गड़बड़ क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.